अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। ये है शाम का टाइम और शाम की रूटीन दिखा रहे हैं। ये क्या है? चोको बाइट्स। बस जी, फिर मेरहा ने हल्का फुल्का कुछ खाया पिया और साथ ही साथ यहाँ पे मैं भी चाय बना रही थी और साथ में करेले कीमा पका रही थी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। साबुत गरम मसाला लिया है, 2-4 लौंगे, 2-4 काली मिर्चें, यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने ऐसे कीमे को चढ़ा दिया। क्या खा रही हो आप? ये खानी है। इसको क्या कहते हैं? चोको बाइट्स कहते हैं ना। और ये यहाँ पे ये भी चल रहा है इसका। मम्मा? जी, दूध भी खा रही हैं। चलें जल्दी जल्दी शाबे दूध भी पिए। गुड गर्ल, वेरी गुड वेरी गुड, स्ट्रांग हो जाते हैं। सरप्राइज मिलेगा मेरहा को। क्या सरप्राइज मिलेगा? नाउ मेरहा आइज बंद करें। टन टन, थैंक यू मम्मी। ये कौन, किसके लिए? मेरे। इससे क्या होता है? योगर्ट। इससे स्ट्रांग होती है ना। क्या होते हैं? नो, वो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है जिससे आप पी रही थी पहले। ये राइट है आपका, ये राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है। नो नो नो, ये राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है। नो रॉन्ग। कैसे रॉन्ग मेरा? ऐसे रॉन्ग। बस जी, फिर साथ में चाय भी पक गई थी और यहाँ पे मैं दूध शामिल कर रही थी और साथ में मेरा एंजॉय कर रही है और हम भी साथ में चाय एंजॉय करेंगे शाम की। जल्दी से। बस जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 3 जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। कीमा तकरीबन मेरा बॉईल हो चुका था और यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ की जो शिमला मिर्च ली वो इसमें शामिल कर दी और साथ ही साथ अब इसकी भुनाई, कीमे की भुनाई करेंगे। सारे स्पाइसेस वगैरह भी साथ में डाल देंगे और ऑयल भी शामिल कर दिया है। और स्पाइसेस के अंदर मैं नॉर्मल जैसे स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाला तो डाला था मैंने और पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। और ये देखें, यहाँ पे साथ में मैंने करेलों को जो है एक तरफ अलग कढ़ाई के अंदर जो फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना, लाइट कलर का ही फ्राई किया है। और यहाँ देखें, दरमियाने साइज़ के मैंने 3 अदद प्याज लिए और उसको जिस करेलों को मैंने जिस ऑयल में फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर जो है प्याज़ों को भी कर लिया है और वो भी इसमें शामिल कर दिया। तो तकरीबन हमारी और करेला कीमा हो गया रेडी। तो गाइस, अभी देखें, मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ हफ्सा के लिए और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। हेलो हेलो, मेरहा बाबा आ गए और मेरे हाथ में क्या है? ये देखें, शॉपर है और इसमें क्या है कौन बताएगा? आप बताएंगी? नहीं, के लिए नहीं है मेरा। देखें, पकड़े, मम्मा को दे, मम्मा को देखें और इसको ओपन करके दिखाएं। मेरा लुक आप काफ़ी टाइम से बस इसका मूड हो रहा था मगर वो होता है ना कहीं एंगेज हो जाता है, बंदा बिजी हो जाता है, ला नहीं सक रहा था। आज ये मेरा क्या है? ये खुशबू, खुशबू देखें, खुशबू देखें कितनी प्यारी आ रही है। फिर चले आप पिनाई भी दें, लेकर आए हैं तो पिना भी दें। अच्छा, बनाना भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। वाह जी वाह, बिल्कुल। मेरा मम्मा को पिनाई, मम्मा को पिनाई, वन मेरा वन मम्मा। दे इसमें तो ये लगा, थोड़े चले दे दे। चल
चलो जी बाबा पिनाए हमें। लॉक तो नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। मैं हाँ एक बाबा पिनाए, वैसे ही ये एक खुशी का मौका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है। कोई जरूरी नहीं है कोई कोई स्पेशल डे हो, यही हमारे लिए स्पेशल डे है, आपके लिए भी है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा आपका लाने का, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। मेरा ये देखिए मम्मा के हाथों पे गजरे, इसको कहते हैं गजरे। ओ आप तो खराब करनी फ्लावर। अच्छा जी अब बताएं कैसे लगे आपको गजरे? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे लिए गजरे लेकर आए और इन हाथों में गजरे पहनाए। और अच्छे भी लग रहे हैं ना। थैंक यू सो मच, मैं बोले थैंक यू सो मच बाबा। मेरे हाने फ्लावर भी सारे गिरा दिए नीचे। तो इसके बाद यही होता है मेरा, अब आप इसके साथ खेलेंगे और हम उतारेंगे और इसी से खाना खाएंगे अभी पहले, क्योंकि हमने अभी तक खाना नहीं खाया, हम वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड का। टाइम देखें, टाइम देखें, टाइम क्या हुआ है, 12:30 टाइम हो रहा है और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। सम टाइम ऐसा होता है ना कि बस लेट हो जाते हैं, तो बस अब खाना खाने जाएंगे और फिर बस। ओके मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें जी अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।